जिला विकास समन्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमलेश पासवान ने कहा कि जिले के विभागीय अधिकारी टीम भावना से कार्य करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वयन की कमी से विकास बाधित हो रहे हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि जनपद में चल रहे विकास योजनाओं में तेजी लाया जाए एवं 2 अक्टूबर तक जनपद को ओडीएफ कराया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को ठीक कराकर जन उपयोगी बनाया जाए। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लॉकों में गलत विद्युत ठीक करने के लिए कैंप आयोजित किए जाए तथा विद्युतीकरण में छूटे हुए हिस्से सौभाग्य योजना के अंतर्गत लेकर पूर्ण करवावें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में हेंसेफेलाइटिस से बचाव की तैयारियां पूरी कर ली जाएं तथा दवाएं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडेयन की अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं को लागू करें। बैठक में विधायक संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, राधा मोहन दास अग्रवाल, पीके मल, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। हमारे जो रेलवे स्टेशन के सामने सेंटर हो गए, बस अड्डे के सामने सेंटर हो गए, ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर जहाँ दो पब्लिक आना जाना लगा था उनका असर बड़े स्तर पर होता है। और 3 और नए सेंटर हाउसों की भी सर सहमति मिल गई है, एक मेडिकल कॉलेज में और 2 गोरखनाथ मंदिर के पास ही सर है, तो उसके लिए टेंडर भी हो गया है। सेंटर लेने वाले क्राइटेरिया है हर सर, कोई भी व्यक्ति मतलब इन सेंटर हाउसों में जो आसर आ सकता है, इसमें तो परमानेंट नहीं है, फिर आ सकता है सर, मैक्सिमम 3 दिन। हाँ सर, कोई लिमिट नहीं है, जब तक कि हम यहाँ से बढ़ा न दें, केंद्र भी बना लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जितने दिन आवश्यकता है उसको बढ़ाते हैं। इसमें सर सारी विक्रेताओं के 400 रुपये होंगे। हाँ सर, मैंने आपसे कहा था कि एक सेंटर पे ले चलिए सर, आप उस सेंटर पे ले चलिए जहाँ पर सर अभी चल रहा है सर, ले चलिए सर। ये स्वरोजगार कार्यक्रम क्या है? स्वरोजगार सर ये छोटे छोटे रोजगार। कितने लोगों को दिया आपने? सर 300 लोगों को, इसमें मुद्रा का भी है शामिल सर। तो कितना लोन दिया है? ये सब्सिडी है, ये 23 लाख सब्सिडी है सर। कितने परसेंट सब्सिडी है? ये सर 7% ब्याज पर इनको ऋण दिया जाता है, बाकी पैसा जो है सब्सिडी में हम लोग देते हैं सर। सर्वे की थी स्काई लाइन और उसने 7,757 लोगों को चिन्हित किया था यहाँ पर विक्रेताओं का, तो अभी फिर से रजिस्ट्रेशन जब कराया गया तो 10,000 से ज़्यादा संख्या निकाली गई, उनका रजिस्ट्रेशन करा के बायोमेट्रिक भी करा लिया गया है, इनको आई कार्ड भी दे दिया गया सर। अब इनको जा रहा है, हम लोगों ने 10,000 जो है दुकानों को लक्ष्य बनाया है, तो चूंकि इसमें जो दुकानें उनको नहीं बना के दी जानी है, उनको 2 स्क्वायर मीटर जमीन आवंटित कर दी जानी है, उसका नगर निगम एक लेआउट बना देगा, वो जमीन पे जो है अपने ठेले लगाएंगे। उसका विशेष उद्देश्य है कि इन पटरी व्यवसायियों का कोई उत्पीड़न ना करे, चाहे कोई संस्था के लोग या कोई भी व्यक्ति इनको डरा धमका के कि उनको सबसे हटा दिया जाएगा, उसके एवज में उसको जो है उत्पीड़न न करें, तो इनको हम मेन प्रमुख सड़कों पे, बाजारों पे इनको 2 स्क्वायर मीटर जमीन जो है आवंटित करने की कार्रवाई हो रही है सर। अभी इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ऐसा कराया है। इसका ये संस्था जो पूरे की है उसने सर्वे किया था, 7,757 का उनका सर्वे हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम 30 मई तक दिया गया था, ताकि ऐसे लोग जो एजेंसी के सर्वे से भी छूट गए हो, बचे रह गए हो, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। तो 10,000 से ज्यादा लोगों ने सर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इनको आवंटित असर ये प्रोसेस में चल रहा है सर, इसकी कमेटी है, थोड़ा वक्त लग रहा है सर। नहीं ये पूरा मोहल्ला वाइज ये सर्वे हुआ है, पटरी वाइज सर्वे हुआ? ये सर इसमें 2 चीजें हैं, ये वेंडिंग जोन बनाया गया है सर, 2 तरह का इसमें रखा गया है, एक वेंडिंग जोन है और एक नॉन वेंडिंग।
जो है, जैसे गोलघर हो गया, बैंक रोड हो गया, ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या लग जाती है, या पटरी व्यवसायी दुकानों से आके बैठ जाते हैं, नारियल पानी वाला, गुलगप्पे वाले, मार्केट में व्यवधान होता है, तो कुछ एरिया को नो वेटिंग जोन में घोषित किया जा रहा है, जैसे बैंक रोड होगा, गोलघर, सभी पार्टी को व्यवसायिक जगह है जहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या, किसी प्रकार की समस्या आती है। तो हम उनके बगल के जो इम्पॉर्टेंट मार्केट है, बहुत दूर भी नहीं है, जो उनके बगल में है, इन रजिस्ट्रिक लोगों को उन मार्केट में 200 स्क्वायर मीटर जमीन चिन्हित कर देंगे, इनका पर्चा पत्र दिया जाएगा, पूरा लेआउट बनेगा, उस लेआउट में एक तरफ से चिन्हित भूमि का नंबर रहेगा, वो उनको आवंटित किया जाएगा। अभी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप दुकान भी बनवाइए और दुकानों का इनसे जो है मूल्य भी प्राप्त किया जाए, तो सब उसी के क्रम में हम देह दफ्तर पे गुणवार सर्वे करा रहे हैं। अभी पिछले 15-20 महीने बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि शहर के जो ऑटो चालक है, कहाँ तक वो सही में गलत है, उनका परीक्षण कराना जरूरी है। लगातार शिकायत आ रही है कि ऑटो चालकों के स्टैंड पे गाड़ी खराब कर दिए, किनारे खराब कर दिए, उनका लगातार चालान हो रहा है और ये बड़ी संख्या में हो रहा है। उन लोगों को ये भी मालूम की गाड़ी काम नहीं करनी है, चौराहे से कितनी दूर खड़ी करनी है, वहाँ कोई मार्किंग नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कॉन्स्टेबल कहीं भी खड़ा होकर गाड़ी पकड़ता हो, कहते हम सही जगह पे थे, वो कहते आप गलत जगह पे थे, तो क्या चौराहे से कितनी दूरी पे कोई मार्किंग लगी है जो मानक तय कर सके कि हमारा यहाँ से इधर गाड़ी नहीं आनी है, जो भी है उसका मानक चाहते हैं, आप उसको सुनिश्चित करिए इसके अलावा सर हमने सफाई का नया टेंडर किया है, पहले जैसे 2500 कर्मचारी हमारे लगते थे, अगर कभी पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैंने उठाया सफाई कर्मियों को लेकर, तो आप 2500 इकट्ठा कर दो, किसी बैठक में डीएम साहब आगे आ जाइए, जरा देख लिया जाए 2500 कहाँ है। बाद में 2200 देखिए 70 वार्ड है, जरा भाग करके बताइए 2200 में 70 कितना है, 70 वार्ड है कर ले तो नियंत्रण में रहे, पार्षद तो लगातार कह रहे हैं कि सफाई कर्मी है ही नहीं वार्ड में, ये आपके ऊपर आक्षेप नहीं है, सिस्टम आपका जो है उस सिस्टम के अंदर ही आ चुका है 2200 कागज पर है, इन 2200 का फिजिकल वेरिफिकेशन कहीं तो होगा। सर 7 वार्डों में हम लोगों ने बायो अटेंडेंस चालू कर दी, हम लोग सुधार कर रहे हैं अपने सिस्टम में सर, और आगे जो भी कर्मचारी लगेंगे सर, इस बार की निगरान में शर्त डाली गई है कि सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, सारा पेमेंट सर इनको जो आईडी के माध्यम से सीधे इनके खाते में, जो भी कर्मचारी रहेंगे उनके खाते में जाएगा, उनका ये व्यवस्था ये 2200 नहीं, यार दुकानदारों
लोग पिछली बार भी गए थे जब महाराज जी थे जो फेल कर रहे थे बिजली बनाने का प्लान पता नहीं कब आएगा।